तो हिमाचल प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश शर्मा के पास चलते हैं। शिमला से लाइव हमारे साथ उमेश यहां पर जुड़ गए। उमेश, अगर शिमला की बात की जाए तो वहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो सका है? प्रतीक्षा, देखिए उत्साह की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दो चरण है 80% से ज्यादा मतदान हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड किया गया है और आज भी काफी जोश और उत्साह के साथ मतदाता चुनाव मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पे। और अभी तक ओवरऑल बात की जाए तो लगभग 36% से ज्यादा मतदान हुआ है और जिला शिमला की बात करें तो जिला शिमला में ठियोग उपमंडल में 46% से ज्यादा मतदान हुआ है और रोड़ू उपमंडल में सबसे कम 28% मतदान हुआ है। तो उम्मीद यही है कि जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा, मौसम बिल्कुल सुहावना है, अच्छी खासी धूप खिली है, लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने जो विजुअल दिखाए हैं उसमें उम्र दराज लोग, जो खासकर 100 साल से उम्र के लोग भी है, वो भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना जोश, कितना उत्साह है और लोकतंत्र के इस पर्व में लोग, हिमाचल के लोग पहले से ही बहुत उत्साह से भाग लेते रहे हैं और इस बार भी दो चरणों में बहुत बढ़िया टर्नआउट देखने को मिला और आज उम्मीद है कि जो आखिरी चरण में जो मतदान हो रहा है जिसमें आज 1137 पंचायतों में चुनाव होने हैं, आज भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और शाम होते होते आंकड़ा, उम्मीद यही है सभी को कि 80% ही टच करेगा। और बड़ी बात यह है कि इस बार 51,44,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें से लगभग 40,000 जो मतदाता है, जो नए है, जो पहली बार वोट करेंगे। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह से पहले दो चरणों का मतदान अच्छे से संपन्न हुआ, इस बार भी अच्छे से मतदान संपन्न होगा और कल सभी के चुनाव परिणाम भी आने हैं और शाम होते होते हिमाचल प्रदेश में जो लंबे अरसे से आचार संहिता लगी है वो भी खत्म हो जाएगी। जी उमेश, जैसे कि आपने बताया कि ज्यादातर ऐसे जो है मतदाता आपके बार हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, ऐसे में जो युवा वर्ग है उसमें काफी उत्साह तो है वोट डालने को लेकर, क्या ऐसे मुद्दे हैं, अगर आपके युवा मतदाताओं से बातचीत हुई हो तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके बेसिस पर वो वोट डाल रहे हैं? क्योंकि युवा वर्ग अपनी एक नई सोच और नई जो है पूरा एक विचारधारा लेकर चलता है, तो ऐसे में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको युवाओं ने लुभाया है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो वोट डालने जा रहे हैं? प्रतीक्षा, देखिए इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोविड के चलते बहुत सारे युवा ऐसे जो पढ़ने लिखने बाहर गए थे, रोजगार करने बाहर गए थे, वो सब लोग आजकल अपने घरों में पहुंचे हैं, अपने गांव में पहुंचे हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 20% ऐसे लोग हैं, युवा है, जो नौकरी छोड़ के हैं या कारोबार छोड़ के हैं या पढ़ाई छोड़ के हैं, चुनाव मैदान में अपना भाग्य माने हैं। आपने देखा होगा पिछले दो चरणों में बहुत सारे युवा लोग जीत के आए थे जिसमें से नए लड़के लड़कियां जो 22-24 साल की उम्र के लोग हैं वो जीत कर भी आए थे। आप इस बात को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं के मन में रोजगार को लेके सबसे बड़ी दुविधा कोविड काल में सबसे बड़ी चिंता बन के आई थी। तो इसी को लेके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एक तो स्वरोजगार को लेके चिंतित है, उसी को एजेंडा बना के कुछ लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, कुछ जीत भी गए हैं और जो मतदाता लोग बाकी युवा बचे हैं उनके एजेंडे में सबसे बड़ी प्रायोरिटी एक तो सबसे बड़ा रोजगार है, स्वरोजगार है, जो बाकी और मसले हैं उनको लेके भी वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और एक चुनावी माहौल भी बना रहे हैं जिसमें सकारात्मक ये देखने को मिल रहा कि जो पहले मुद्दे होते थे उनसे निकल कर लोग अब देश प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे, असल मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी और जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसको लेके बात करें। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, शिक्षा है और ऐसे ही बतेरे मुद्दे हैं जिनको लेके हिमाचल प्रदेश में इस बार नई चीज़ें को देखने को मिली, क्योंकि ज़्यादातर नए जो मतदाता हैं, जो युवा हैं, जो गाँव में चुनाव में कम भाग लेते थे, इस बार कोविड के चलते गाँव में पहुँचे हैं तो गाँव की जो जो तस्वीर है वो बदली हुई दिखाई दे रही है। लोग जो जो मुख्यधारा के मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मसले गांव के होते थे उनको छोड़कर डेवलपमेंटल की बातें कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार देखने को मिल रहा है। जी उमेश, कोरोना के खतरे के बीच में मतदान हो रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारी की गई है वहां पर और सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं?
उमेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चुनाव प्रबंधन के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन जिस तरह से तैयारियां की गई, जिस तरह से तैयारियां की गई है, उस तरह से लग रहा है कि किसी तरह की मुश्किल अभी तक कोविड को लेकर नहीं आई है। सारी एसओपीज का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आपने देखा होगा दोनों चरणों के चुनाव में लगभग 200 ऐसे लोग हैं जो कोविड से संक्रमित थे, उन्होंने मतदान किया। कोई ऐसे प्रत्याशी भी थे प्रधान पद के लिए या अन्य पदों के लिए, वो कोविड से संक्रमित थे, वो जीत कर भी आए हैं। तो सरकार का प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन है।